क्या होता है आपके नाम का आशय शशांक सर? चंद्रमा सर। चंद्रमा, ये नाम इतिहास में भी आते रहते हैं। हाँ सर। कब आता है? सर बंगाल के एक शासक थे शशांक, जिनके संदर्भ में नाम आता है सर। ओके। फ्री स्टाइल वर्कआउट क्या होता है? सर ये ऐसा वर्कआउट है जिसमें कोई फिक्स रूटीन फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसमें हम अपने बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट यूज करके वर्कआउट करते हैं। बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट यूज करके? कैसे बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट? सर जैसे पुशअप प्लैंक, उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब मतलब जैसे कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए हम प्लैंक करते हैं सर, तो अपने बॉडी को होल्ड करके रखना पड़ता है, तो इसमें हम ग्रेविटी के यूज करते हैं सर। इससे फायदा क्या है? सर इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सर बॉडी के फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, और माइंड टू बॉडी कनेक्ट अच्छा हो जाता है सर इससे, और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना बूस्ट करता है। ये जो परंपरागत वर्कआउट है, हाँ, उसका पार्ट है कि उससे नई विधा के रूप में आया है? कुछ चीज़ें सर ओवरलैप होती है दोनों में, कुछ अलग भी है सर। शशांक, आप जैसे लिखे हैं बीएससी जिसमें बॉटनी जूलॉजी, क्या होता है बॉटनी और जूलॉजी? सर जंतुओं के आकारिकी और उनके संदर्भ में पूरे जो विज्ञान है उसको प्राणी शास्त्र जंतु विज्ञान कहते हैं सर, जबकि जो प्लांट्स के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से तो वो वनस्पति विज्ञान। फादर ऑफ बॉटनी कौन है और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? सर फादर ऑफ जूलॉजी सर अरिस्टोटल हैं, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है, ठीक। आप कबीरधाम जिले से हैं? हाँ सर। क्या कारण है कि कबीरधाम जिले में नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री हो या फिर गुड़ के कारखाने हैं ज्यादा है? सर क्योंकि वहाँ गन्ना बहुत आयात होता है सर, तो गन्ना तो बेमेतरा में भी ज्यादा होता है। सर कोऑपरेटिव्स का कल्चर वहाँ मतलब पहले आया सर। गन्ना उत्पादन का सबसे प्रमुख कारण क्या ऐसा है कि कवर्धा में ही ज्यादा हो रहा है? सर पहले तो वहाँ सर जो काली मिट्टी पाई जाती है उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी है, और गन्ने के फसल में दूसरे फसलों की अपेक्षा थोड़े अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो चूंकि नमी ज्यादा होती है इस मिट्टी में इसलिए ज्यादा अच्छे से होता है सर, और क्लाइमेट वहाँ का वैसा है। एक पर्यटन दृष्टिकोण से हम लोग भोरमदेव मंदिर का नाम बार बार सुनते हैं कवर्धा में, क्या है उसमें, क्या खासियत है ऐसा? सर ऐतिहासिक रूप से 11वीं सदी का मंदिर है सर, और नागर शैली में बनी हुई, और ये अपने विशेष कला के कारण ज़्यादा जानी जाती है सर, और खजुराहो की जो मंदिर है उससे साम्यता के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। एक प्रशासक के रूप में आपको वहाँ कवर्धा में पदस्थ किया जाए, हाँ सर, तो आप क्या करेंगे कि ऐसा कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सके? सर जो मैं प्रयास करूँगा सर कि अलग अलग जो समुदाय हैं उनके साथ संवाद स्थापित करूं, और उनको जो सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए प्रेरित करूं, और जैसे जो उनके विवाद हो जाते हैं उन्हें छोटे स्तर पे ही पहले सुलझा देने का प्रयास करूं। जैविक खाद क्या होता है? सर रासायनिक जो पदार्थ हैं उनको यूज़ किए बिना जो बायोमास से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं उसे जैविक खाद कहते हैं सर, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या जो एजोला है सर। ये बायोमास बायोफ्यूल में क्या अंतर है? सर बायोमास से बायोफ्यूल बनता है सर। क्या होता है बायोमास को बता दिए, बायोफ्यूल क्या होता है? सर जैसे जो बायोमास रहता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहता है उसमें ऊर्जा संचित रहती है, उसको यूज करके हम जैसे कोई फ्यूल बनाते हैं, जैसे बायोडीजल हो गया, तो उसे बायोफ्यूल बोलते हैं। बस्तर में एक गोबर बोहरानी फेस्टिवल है, हाँ सुने हैं क्या? हाँ सर सुना। उसका संबंध आपके जैविक खाद में कैसे है, किस प्रकार से है? सर उसमें ये सुकमा जिले का मतलब पर्व है जिसमें एक गड्ढा किया जाता है पहले, फिर उसमें गाँव भर के लोग लगभग 10 दिन तक गोबर इकट्ठा करते हैं, तो एक तरह से इसको हम गोबर खाद बनाने जैसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।